मैंने कभी प्रूफ मांगा हूँ क्या? क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूँ क्या आपसे? आप ये लोग का मेंटेलिटी देखो, ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा सबसे, हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मांगने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फूटाया तो फूटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूँ क्या? क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूँ क्या आपसे? तो ऐसा आप सैनिकों का अपमान मत करो। देश बहुत ऊपर का चीज होता है, देश ऐसा नहीं होता है। लोग देश के लिए मरते हैं, लोग देश के लिए जीते हैं, लोग व्यक्ति के लिए नहीं जीते हैं। लोग बोलता है मेरे से देश ऊपर है, लोग बोलता है परिवार मुझसे ऊपर है, लोग बोलता है जननी जन्मभूमि सर्गादपि गरीयसी। वो जननी को आप क्वेश्चन करेगा, वो जननी को आप सवाल करेगा। जब आप देखो आज वो लोग नरेंद्र मोदी को बोलता है मोदी क्या किया? अरे अमेरिका ने वैक्सीन बनाया, रशिया ने वैक्सीन बनाया, साथ साथ में भारत में भी वैक्सीन बनाया। और जब भारत ने वैक्सीन बनाया और कांग्रेस लोग पूछता है इसका प्रूफ क्या है? बेटा जब अमेरिका ने वैक्सीन बनाया आप अमेरिका में जाके पूछा क्या इसका प्रूफ क्या है? जब भारत कुछ बनाता है आपको प्रूफ चाहिए, और पाकिस्तान जब कुछ बनाता है बोलता है नहीं नहीं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा चीज आपने बनाया। चाइना ने कुछ बनाया और बहुत अच्छा किया। अभी राहुल गांधी बोलता है अरे चाइना आगे बढ़ रहा है, चाइना आगे बढ़ रहा है। आप चाइना का फ्री एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं? आप चाइना का फ्री एडवर्टाइज क्यों करते हो? आप बोलो भारत का सेना आगे गया है, ऐसे बोलो, तो अब देश में पता चलेगा कि आप भारतीय हो। आज राहुल गांधी हो, हरीश रावत हो, आप एकदम मिस्टेक मत कीजिए। ये लोग कोई भारत के लिए, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का कल्याण के लिए नहीं है। ये लोग तुष्टिकरण के लिए है, अपना परिवार के लिए वो लोग जीता है, वो लोग अपना परिवार के लिए मरता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा नेता जो कभी कभी पैदा होता है वो देश के लिए जीता है। मोदी जिंदाबाद। भाई और बहनों बहुत समय के बाद देश को मोदी जैसा नेता मिला है। आज देश को मोदी जैसा नेता मिला है, यह हमारा देश का भाग्य था। आप देखिए कैसे कोई सोच सकता था क्या कि भारत का विमान जाके पाकिस्तान में बम गिराएगा? कोई सोच सकता था क्या पाकिस्तान में भी सर्जिकल स्ट्राइक संभव है? कोई सोच सकता था क्या अगर देश में कोरोना महामारी आएगा कि भारत भी वही नेशन में होगा जो नेशन में एक नहीं दो दो वैक्सीन बनेगा? कौन सोच रहा था? आज गरीब के लिए, अब गरीब के लिए प्रधानमंत्री जी जीता है। प्रधानमंत्री जी जब कोविड का पेंडेमिक आया सबसे उन्होंने गरीब के लिए सोचा कि भाई गरीब को कैसे सहायता किया जाए। आज आप सोच लीजिए कि हमारा आइजोल है, इम्फॉल है, जो जाना भी संभव नहीं है, दूर दूर तक गांव तक उन्होंने रेशन भेजा, लोगों को फ्री रेशन भेजा कि भाई कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज अकाउंट खुला, अकाउंट में पैसा डाला, आज गैस का चूल्हा मिला माँ को। आज आपको एक एक करके आप देखिए जो प्रधानमंत्री जी काम कर रहा है
और देश में कोई नहीं सोचा था कि ऐसा काम संभव है। हर घर में बिजली, लोगों का मन में था कि बिजली होना चाहिए, लेकिन लोगों का सपना में ये नहीं था कि 2 साल में ही हर घर में बिजली होगा। लोगों का सपना में था कि घर में पानी मिलना चाहिए, जल मिलना चाहिए, लेकिन जल जीवन मिशन जैसा स्कीम होगा, सचमुच घर घर में जल जाएगा, ये लोग सोचता नहीं था। लोगों का मन में था कि रास्ता बनना चाहिए, लेकिन आज उत्तराखंड में जैसा नेशनल हाईवे बना वो लोगों का सपना में नहीं था। आज अरुणाचल में जितना जैसा रोड बना वो लोगों का सपना में नहीं था। आज कांग्रेस का एक मंत्री था एके एंटोनी, उन्होंने क्या बोला कि हमारा गलती हो गया, हम चाइनीज का जो बॉर्डर है, टेरिटरी है, उसमें हमको रास्ता बनाना था।